शंकर का अपमान करके क्या राम पूछे जाएंगे? अच्छा, साक्षात शंकर है शंकराचार्य। शंकर का अपमान करके क्या राम पूछे जाएंगे? अर्ध निर्मित मंदिर में किसे प्राण आ जाएंगे? हिंदू ये भी है, हिंदू हम भी है। ये छोटे हिंदू है, हम बड़े हिंदू। ये छोटे दिल वाले छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले बड़ी सोच वाले हिंदू। एक वो पार्टी जिसके एक नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 मर जाते तो गम नहीं था, वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूं, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एंड दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता अभय दुबे एंड सपा की प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों जो समाजवादी पार्टी कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया, वो डिबेट में आज सबसे बड़े राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़े धार्मिक गुरु शंकराचार्य को 10 साल जेल में रखा, वो आज उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी आज इन दोनों की बखिया उधेर दिया। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड डिबेट अच्छा लगे तो एक लाइक एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना। चलिए शुरू करते हैं। दुबे साहब, आप गए थे 15 तारीख को अपने पार्टी के नेताओं के साथ सरयू में स्नान, आपने भी किया था अयोध्या के अंदर। कोई 15 को जा सकते हैं, 22 को नहीं जा सकते, ये बात नहीं समझ में आ रही है। जो अंतर राहुल गांधी बता रहे थे, हम क्यों नहीं जा रहे? सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म। हमने क्या धर्म धारण किया? हमने दया, यज्ञ, दान, क्षमा, और सनातन धर्म का मूल है क्षमा। भारतीय जनता पार्टी का धर्म है प्रतिशोध। आचार्य कौन? जिसने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया, जिसने भगवत श्रीमद भगवत गीता ब्रह्मसूत्र वेदांत पर भाष्य किया, वो आचार्य। सताचारी कौन? जिसने मोदी नामे पर भाष्य किया, जैसे अभी सुधांशु कर रहे थे, वो सताचार्य। तो ये लड़ाई सताचार्य बनाम धर्माचार्य की है, ये लड़ाई सनातन धर्म बनाम भारतीय जनता पार्टी की। और मैं नहीं कह रहा, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य कौन? जो साक्षात शंकर माने जाते हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य। मुझे दुख हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर सनातन धर्म के अंदर ध्रुवीकरण प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म के वैसे तो बहुत से संप्रदाय, मगर 5 प्रमुख संप्रदाय, वैष्णव, शैव, स्मार्त, शाक्त और वेदांत। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा यह रामानंदियों का मंदिर है, इसका आशय क्या है? कि बाकी के धर्माचारी, बाकी के धर्म का आचरण करने वाले लोगों को मंदिर से दूर कर दिया। अरे जाइए शंकराचार्यों की शरण में, क्षमा की याचना कीजिए, धर्म की प्रार्थना कीजिए और उनको ऊंचा सिंहासन दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नगर अयोध्या, अयोध्या जानते नाम क्यों पड़ा? जहां कभी युद्ध ना हुआ, जहां कभी वैमनस्य ना आ रहा हो, जहां कभी घृणा ना पलती हो। देहिक देवी भौतिकता पर राम राज नहीं कहुई भी आपा, सपनर करई परस्पर प्रीति, चले ही सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। उस वक्त भी धर्म का जो सहस्तित्व था, उसको भगवान श्री राम के राज्य में स्वीकारा गया। राम राम क्यों 2 बार राम का नाम लिया जाता है जानते हैं आप? एक वो राम जो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को दज कर अपने वचन को निभाने के लिए चले गए, और एक ये है जो रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं। दूसरे राम वो जो अयोध्यापति राजा राम हैं, जो न्याय के प्रतीक हैं। हमको उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जी अंतिम समय तक कम से कम हमारे शंकराचार्यों का अनुनय विनय करके उनको मना लेंगे। शंकराचार्य जाते तो आप जाते? शंकराचार्य जी जाने जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, क्यों नहीं जाते? शंकराचार्य जी ने क्या कहा? ठीक है, उन्होंने कहा कि मंदिर अगर शरीर है तो उनका शिखर शीश, उनका शीश है, और जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो उसकी आत्मा है। तो बगैर शीख के, बगैर शीर्ष के, कैसे आप प्राणवान हो सकते हैं? मैं आखिरी लेकिन शंकराचार्यों के स्टेटमेंट तो बाद में आए थे, आपकी पार्टी ने चिट्ठी जारी पहले कर दी थी, हम नहीं जा रहे। आपके टेलीविजन ने नहीं बताया, इसका अर्थ यह नहीं कि शंकराचार्य नहीं बोले थे, माफ कीजिएगा। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, राम लला जब आएंगे तो उनको क्या बताएंगे? शंकर का अपमान करके क्या राम पूजे जाएंगे? अच्छा, साक्षात शंकर है शंकराचार्य। शंकर का अपमान करके क्या राम पूजे जाएंगे? अर्ध निर्मित मंदिर में कैसे प्राण आ जाएंगे? आपने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी केवल राम की बात कर रही है, वो केवल राम के भरोसे पे। अब अगर इस देश को ये बात ठीक लगती हो कि केवल धर्म का नाम लेकर, केवल मंदिर का फोटो दिखाकर, केवल राम का नाम लेकर ही देश की राजनीति चलनी चाहिए, तो देश की जनता को तय करना 24 के चुनाव में। जहां तक हमारा सवाल है, हम स्पष्ट तौर पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इनको 2000 साल तक सताया गया, कम से कम 2000 साल तो इन्हें विशेष अवसर दो। दूसरी बात हिंदुत्व की और मंदिर की मैं बताता हूँ, हिंदू ये भी है, हिंदू हम भी है। ये छोटे हिंदू है, हम बड़े हिंदू है। ये छोटे दिल वाले छोटी सोच वाले हिंदू है, हम बड़े दिल वाले बड़ी सोच वाले हिंदू। अच्छा, इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं। हमारे हिंदुत्व में महात्मा गांधी भी हैं, हमारे हिंदुत्व में राजा राममोहन राय भी हैं,
हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी है, स्वामी विवेकानंद भी है। अगर आलोचना करना और पाखंड का विरोध करना हिंदू विरोधी होना है तो फिर दयानंद भी हिंदू विरोधी है, फिर विवेकानंद भी हिंदू विरोधी है, फिर कबीर भी हिंदू विरोधी है। राम मंदिर बन रहा है, स्वागत है, सबको खुशी है। राम तो इस कण कण में व्याप्त है, राम तो सबके इष्ट है। राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं, दूसरे देशों में भी राम कथाएं लिखी गई हैं, 100 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन भाटी साहब, इनके राम आप लोगों ने बना दिया ना, मैं बहुत इनके मैं दो वाक और बोल दूंगा, दो वाक और बोलता हूं। मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? अरे हम तो कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूंढे बनमाही, ऐसे ही खटखट राम है, दुनिया देखे नहीं। ये देख नहीं पा रहे राम को, ये समझ नहीं पा रहे राम को। राम की असली भक्ति राम के आचरण पे चलना है। ठीक है, समझ गया। तो ये जो पाखंड है नी, ठीक है, धार्मिकता में और धार्मिक कर्म पाखंड में बहुत बड़ा अंतर। आपको जरा सबर करो। देखिए, इसे कहते हैं, एक पुराना गाना था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। बदला हुआ वक्त की पहचान देखिए, एक पार्टी जिसने हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, आज क्या धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके एक नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो कम नहीं था, वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। इसे कहते हैं, मुझे याद आता है, ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थी, 107 सीटें सपा की थी, 67 सीटें बसपा की थी, 56 सीटें कांग्रेस की थी। सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना ली थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है, जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम का काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए सिया पर रामचंद्र की जय बोली। अब मैं फैक्चुअल उत्तर देता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अभय दुबे जी शंकराचार्य जी के विषय में बोल रहे थे। शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किस सरकार के समय में किया गया? जेल किस सरकार के समय में रखा गया था? और इमाम बुखारी से फतवा अपने पक्ष में किसने जारी कराया था? सबसे पहले 1980 में इंदिरा गांधी जी ने, फिर 1989 में वीपी सिंह जी ने, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, और अभी 2014 के चुनाव में वो सोनिया गांधी का प्रचार करने के लिए आए थे। इसे कहते हैं बदले हुए वक्त की पहचान। मगर ये जानते क्यों हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं तब से वो बदलाव हुआ, और मैं तो कहता हूं बहुत सकारात्मक बदलाव है। यदि मैं कहना चाहता हूं किसके अपने, अरे उदारता की पराकाष्ठा है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, क्योंकि हम भगवान राम की उस परंपरा को मानते हैं कि जब रावण का वध हुआ था उसके बाद भी उन्होंने आपने निमंत्रण दिया है, आपने निमंत्रण दिया है, अपनी बात पर डटे रहना, नहीं रखो, रुके रहना अपनी बात पर। आप हमसे क्या कह रहे हैं? आपकी सारी पार्टी है ये खंडन कर रही है कि हम निमंत्रण नहीं बांट रहे, हमारा क्या मतलब है? वो ट्रस्ट बांट रहा है, आपने कहा आपने निमंत्रण दिया। सुनिए, अब तो बदलाव इतना हो गया, सुनिए, अभी तो बदलाव इतना हो गया कि सामने नहीं, याद है चुनाव में अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए थे। मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन तो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा होगा। याद है प्रियंका गांधी जी ने यूपी में देवी स्तुति की थी मंच पर से, केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिख गए थे, सुंदरकांड करवा रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा भी, हम तो रीझ के भज रहे हैं, तुम खींच के भी भजो तो स्वागत है। मगर एक बात बताना चाहूंगा, इन दोनों की जो एक लाइन सर, इन दोनों की जो जुगलबंदी है, देखिए ये है भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी और वो है उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, और देखिए दोनों में कैसी जुगलबंदी, और चुनाव के मैदान में आते हैं तो भी मध्य प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कहा था अखिलेश वखिलेश, उन्होंने कहा था चालू पार्टी, इन्होंने कहा था चिरकुट पार्टी, ये इनके संज्ञान, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है भाई, हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में वो चिरकुट पार्टी थे, उत्तर प्रदेश में ये चिरकुट पार्टी, मगर यहां चालू चिरकुट में मिलकर सबका उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, ये प्रबुद्ध जनता समझ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।